नमस्ते बच्चों, स्टैंडर्ड फोर्थ हिंदी, उसमें हमारा पांचवा चैप्टर है अर्जुन सिंह। ये जो पूरा पाठ है उसमें देशभक्ति की भावना प्रकट की है। हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए जिन जिन महापुरुषों ने भाग लिया था वो सबके बारे में जानते हैं। तो ये जो देशभक्ति की भावना है, हमारे देश के छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बड़े होकर देश के अच्छे नागरिक बने और देश की रक्षा करें। तो ऐसा ही ये एक पूरा पाठ है जिसमें देशभक्ति की भावना हमारे देश के बच्चे बच्चे के मन में समाई हुई है। इतिहास के पन्नों पर उभरने वाले महान देश प्रेमियों की शक्ति का आधार देश की जनता थी। तो ये जो पूरा पाठ है वो देशभक्ति की भावना को प्रकट करता हुआ पाठ है। तो उसमें यहाँ पे ऐसे कई चित्र दिए हैं, वो कौन है वो आपको उसके नाम लिखने। तो पहला जो चित्र है वो है सुभाष चंद्र बोस। ये है शहीद भगत सिंह, जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए कई ऐसी कठिनाइयों का सामना किया है। ये है चंद्रशेखर आज़ाद और ये है रानी लक्ष्मीबाई, वो है झांसी की रानी। तो ये जो पूरा पाठ है उसे समझने से पहले हम उसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ में पहला है दुलारा यानी प्यारा, कौमी स्वदेशी, हुक्म आदेश, चुन्नी चुनरी, सक्रिय क्रिया में पूरी तरह लगा हुआ उसे बोलते हैं सक्रिय, अधाना यानी तृप्त होना, जुलूस लोगों का समूह, गुलाम यानी पराधीन और मूर्छित यानी बेहोश। तो ये जो पूरे शब्दार्थ है वो आपको अच्छी तरह से सीखने हैं। हमारा जो पाठ है उसकी शुरुआत करते हैं। नाम है अर्जुन सिंह। ये एक छोटे बच्चे की कहानी है। अर्जुन नाम का एक लड़का है, उसमें देशभक्ति की ऐसी कई सारी जो भावना है वो थी। क्या क्या करता है, क्या क्या कर सकता है वो सब इसमें बताया है। एक था बालक अर्जुन सिंह, वह अपने माता पिता और छोटी बहन का दुलारा था। दुलारा, दुलारा यानी प्यारा। उसके माता पिता उससे बेहद प्रेम करते थे। छोटी बहन भैया भैया पुकारते नहीं अधाती थी। अधाती यानी तृप्त होना। अर्जुन सिंह नाम का एक लड़का है, वो अपने माता पिता और उसकी छोटी बहन, उसका दुलारा है यानी वो उसे बहुत प्यारा है। माता पिता उसे बेहद प्रेम करते हैं और छोटी जो बहन है पूरे दिन भैया भैया कहते नहीं थकती थी, नहीं अधाती थी। उनका छोटा सा परिवार प्रेम और आनंद से भरा हुआ था। एक बार अर्जुन बीमार पड़ गया। उसका बुखार बहुत तेज था। माता पिता और बहन सभी उसके लिए परेशान हो गए। माँ ने उसके इधर उधर की चीज़ें खाने पर रोक लगा दी। उसका मन गुड़ और चना खाने को ललचा रहा था। उसकी छोटी बहन से भाई का दुख न सहा गया। वह चुपके से भाई के लिए गुड़ और चना ले आई और उसने भाई को खाने के लिए दे दिया। कुछ दिनों बाद अर्जुन का बुखार उतर गया। भाई के मन में बहन के प्रेम की भावना और गहरी हो गई। देखो, अभी एक दिन क्या होता है, ये जो अर्जुन नाम का लड़का है वो बीमार होता है। तो माँ ने उसे इधर उधर की बाहर की ऐसी कोई ऐसी चीज़ है वो खाने को मना किया, वो रोक लगा दी। एक दिन अर्जुन को क्या खाने का मन हुआ था, गुड़ और चना। तो उसकी जो छोटी बहन है वो अपने भैया का ये दुख नहीं देख सकती थी, इसीलिए वो अपने भाई के लिए गुड़ और चना और भाई को दे दिया खाने के लिए।
थोड़े दिन बाद अर्जुन का बुखार है वो उतर जाता है और भाई के मन में ये बहन के प्रति जो प्रेम है वो भावना है गहरी हो जाती है, क्योंकि वो बीमार था, उसे बुखार आया था, तब उसकी छोटी बहन ने उसे उसकी मदद की थी। एक दिन लोगों ने सुना कि कौमी झंडे का जुलूम निकलने वाला है। सभी देशभक्तों के दिलों में आनंद और उत्साह की भावना समा गई। देश का वायसराय नहीं चाहता था कि कौमी झंडे का जुलूस निकाला जाए, इसलिए उसने हुक्म दिया कि जुलूस नहीं निकाला जाएगा। वायसराय का हुक्म सुनते ही देशवासियों के दिल मुरझा गए। देखो अभी एक दिन क्या होता है, सभी लोगों ने ऐसा सुना कि कौमी झंडे का जो जुलूस है वो निकलने वाला। कौमी यानी स्वदेशी, स्वदेशी और विदेशी वो दोनों ऑपोजिट है। स्वदेशी उसका अर्थ होता है अपने देश का, और विदेशी यानी परदेश, दूसरा देश। तो यहाँ पे है कौमी झंडे का जुलूस निकलने वाला है। कौमी यानी स्वदेशी झंडे का, अपने देश के झंडे का जुलूस यानी लोगों का समूह सरगस वह निकलने वाला है, पर देश के जो वायसराय है उसने मना कर दिया कि भाई ये जो झंडे कौमी झंडे का जुलूस है वो नहीं निकाला जाएगा। तो ये हुक्म यानी आदेश सुनकर सभी लोग मुरझा जाते हैं, नाखुश हो गए। सभी देशवासी है वो नाखुश हो गए। बड़ा आया वायसराय, क्यों न निकले झंडे का जुलूस, भाई ने बहन से कहा। बहन ने पूछा कौन है ये वायसराय, भाई ने कहा ऊ होगा कोई। बहन ने कहा वह जुलूस निकालने क्यों नहीं देता, भाई ने बहन से कहा हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम जो है। भाई है वो बहन से कहता है बड़ा आया वायसराय क्यों नहीं झंडे का जुलूस निकालने देता है। तो बहन वो पूछती है ये वायसराय कौन है, बहन पूछती है पर ये जुलूस है वो निकालने क्यों नहीं देता। तो भाई वो कहता है जो देश है वो अंग्रेजों का गुलाम है, हम सब देशवासी है वो अंग्रेजों के गुलाम है, यानी हम जो देशवासी है वो अंग्रेजों पर आधीन है यानी के गुलाम है। बहन ने बड़ी हिम्मत से कहा तब तो हम जरूर जुलूस निकालेंगे, अपना झंडा फहराएंगे, देखते हैं कौन रोकता है हमें। बहन है वो बड़ी हिम्मत से ऐसे बोलती है, तो अभी हम देखते हैं कौन हमें जुलूस निकालने के लिए रोक सकता है। भाई बहन दोनों झंडा बनाने में जुट गए। भाई केसरिया और हरा रंग ले आया, बहन ने अपनी चुन्नी से झंडा बना लिया। चुन्नी यानी अपनी छोटी जो बहन है उसकी चुनरी। दोनों ने मिलकर उस झंडे पर केसरिया और हरी पट्टियां बना दी। दोनों भाई बहन है वो झंडा बनाने में जुट जाते हैं, लग जाते हैं। भाई है वो केसरिया और हरा रंग ले आता है, और बहन है उसने अपनी चुन्नी से झंडा बना लिया, और दोनों मिलकर केसरिया और हरी पट्टियां बना रहे हैं। भाई ने उस झंडे को खेलने के डंडे से बांध लिया। अभी उसने जो ये झंडा बनाया उसने जो खेलने वाला एक डंडा था उस पर बांध लिया। झंडा बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहा था। भाई ने दाहिने हाथ में झंडा थामा और जुलूस में भाग लेने चल पड़ा। बहन भी उसके साथ जाना चाहती थी, परंतु भाई ने यह कहते हुए उसे रोक दिया कि जुलूस के साथ बहुत दूर तक चलना पड़ेगा। भाई की इच्छा थी कि उसकी बहन उसे रोली का टीका लगाकर उसी प्रकार विदा करे जिस प्रकार प्राचीन काल में राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विजयी होने की मंगल कामना के साथ रोली का टीका लगाकर युद्ध के लिए भेजती थी। अभी देखो ये दोनों भाई बहनों ने झंडा अच्छे से सुंदर बना दिया, वो देखने में एकदम आकर्षक था।
फिर भाई है वो अपने दाहिने हाथ में झंडा थाम कर खड़ा है और जुलूस में जाने के लिए निकल पड़ता है। साथ में उसकी छोटी बहन है, वो भी जाना चाहती थी, पर उसके भाई ने उसे मना कर दिया क्योंकि ये जो जुलूस है वो बहुत दूर तक जाने वाला और उसे दूर तक चलना भी पड़ेगा, तो इसीलिए उसने अपनी बहन को मना कर दिया। पर वह भाई की यह इच्छा थी कि उसकी छोटी जो बहन है उसे रोली का टीका लगाकर, रोली यानी कुमकुम का टीका लगाकर की रक्षा के लिए और वह विजयी हो ऐसी मंगल कामना के लिए वह अपनी छोटी बहन से टीका लगाना चाहता था और ऐसे ही वह युद्ध के लिए भेजना चाहता था। इसलिए भाई की यह इच्छा थी कि वह रोली का टीका लगाकर उसे जुलूस में जाने के लिए विदा करे। जिस प्रकार पहले के प्राचीन काल में राजकुमार है वो कोई युद्ध में युद्ध करने के लिए जाता, राजकुमारी है वो उसकी रक्षा के लिए रोली का टीका लगाकर उसे युद्ध में भेजती है, तो उसी तरह भाई अपनी छोटी बहन से यह इच्छा रखता है। भाई की इच्छा को समझते हुए बहन दौड़कर रोली, चंदन, दीपक और चावल से सजी हुई आरती की थाली ले आई। उसने भाई की आरती उतारी, उसके माथे पर रोली, चंदन और चावल का तिलक लगाया। भाई ने माता पिता का आशीर्वाद लिया। बहन ने विजयी भव कहते हुए भाई को जुलूस में भाग लेने के लिए भेजा। अभी छोटी बहन है वो भाई को विदा करने के लिए क्या क्या लेकर आती है? रोली, चंदन, दीपक और चावल से सजी हुई आरती की थाली। उसने भाई की आरती उतारी, माथे पर तिलक लगाया और ये जो भाई है उसने माता पिता का आशीर्वाद लेकर बहन ने विजयी भव ऐसे कहते हुए भाई को जुलूस में भाग लेने के लिए भेजा। वह झंडा लेकर आगे बढ़ता जा रहा था और बहन दरवाजे पर खड़ी उसकी ओर देख रही थी। कुछ दूर जाने पर सिपाहियों ने उसे रोका, परंतु वह न रुका। सिपाही भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान थे, परंतु सरकारी हुक्म के अनुसार वे बालक को आगे नहीं बढ़ने दे सकते थे। सिपाहियों ने उसे बहुत डराया, धमकाया, परंतु वह कहाँ मानने वाला था। निर्दयी सिपाही उस अबोध बालक पर डंडे बरसाने लगे। बालक आहत होकर गिर पड़ा। उसके सिर, हाथ और पैरों में बहुत चोट लगी थी, परंतु उस स्थिति में भी उसने झंडा हाथ से नहीं गिरने दिया। चलो अभी आगे क्या होता है। जब वो झंडा लेकर आगे जा रहा है, आगे बढ़ता है, तब उसकी बहन उसे दरवाजे पर खड़ी होकर उसे उसकी ओर देखती है। कुछ दूर जाने तक उसे कुछ सिपाहियों ने उसे रोका, परंतु वह नहीं माना। उसकी यह हिम्मत देखकर, उसको इतना हिम्मत वाला, निडर देखकर सभी जो सिपाहियों वो भी हैरान हो गए। पर सरकार ने जो आदेश दिया था कि जुलूस नहीं निकाला जाएगा, इसीलिए उसने बालक को, ये भाई को आगे बढ़ने के लिए रोका। सिपाहियों ने ये बालक को यानी अर्जुन को बहुत डराया, धमकाया, परंतु वह किसी की नहीं सुनता था। सिपाही है वो थोड़े निर्दयी यानी दूसरों के प्रति वो दयावान नहीं थे। उसने ये छोटे बच्चे पर, अबोध बालक पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए यानी उसे मारने लगे। ये बालक है वो आहत होकर गिर जाता, उसे कई चोट लगती है सिर पर, हाथ पर और पैरों पर, फिर भी वह उसी स्थिति में झंडा हाथ से छोड़ता नहीं है और नीचे जमीन पर ये जो झंडा है वो गिरने नहीं देता है। सिपाहियों को भाई के पीछे जाते देख बहन का मन अज्ञात भय से कांप उठा। वह भागते भागते वहां पहुंची। भाई ने झंडे को बहन के हाथों में थमा दिया और वह मूर्छित हो गया। उसने भाई के सिर को अपनी गोद में रखा और सहायता के लिए लोगों को पुकारने लगी। इसी बीच उसके माता पिता और कई सज्जन उसकी सहायता के लिए पहुंच गए।
उस वीर बालक को लोग अस्पताल ले गए। वह कुछ दिनों में स्वस्थ हो गया और पुनः झंडा लेकर अपनी बहन, मित्रों और परिजनों के साथ देश की स्वाधीनता के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा। देखो, अभी ये अर्जुन नाम का लड़का है, वो नीचे गिर जाता है, फिर भी वह अपने हाथ से झंडा है वो नहीं छोड़ता। ये दृश्य जो है वो उसकी छोटी बहन दरवाजे पर खड़े खड़े सभी देख रही थी। वह ये देखकर वो दौड़ते हुए भागते हुए वहाँ पे पहुँची और भाई ने जो झंडा पकड़ा था वह उसने बहन के हाथों में थमा दिया और वह मूर्छित हो गया। उसी तरह उसने ये झंडा है वो जमीन पर नहीं रखा, उसने भाई के सिर को अपनी गोद में रखा और उसकी सहायता के लिए सभी लोगों को पुकारने लगी। उसी बीच उसके माता पिता और कई सज्जन है वो वहाँ पे आ पहुँचते हैं और ये जो वीर बालक है, निडर बालक है, उसको अस्पताल ले जाते हैं। कुछ ही दिन में ये अर्जुन है वो स्वस्थ हो जाता है। फिर से वह झंडा लेकर अपनी बहन, मित्र, परिजनों यानी परिवार के लोगों के साथ देश की स्वाधीनता के कार्यों में सक्रिय रूप से यानी पूरी तरह मन लगाकर फिर से वह भाग लेने लगा। तो ये जो पूरा पाठ है उसमें छोटे बच्चों के मन में देश के प्रति जो भावना है वो पूरी प्रकट की गई है। उसी के मन में जिस तरह देशभक्ति की भावना है उसी तरह देश के अन्य बच्चे हैं उनके मन में भी ऐसी भावना प्रकट हो, ऐसा प्रस्तुत करता हुआ यह पूरा पाठ है वो आपको अच्छी तरह से सीखना है, अच्छी तरह से समझना है।